गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, हम लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पे डिस्कस कर चुके थे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है पीछे की तो आप बता सकते हो, और आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो बाइनोमियल हमारा चैप्टर है उसमें एक्सपेंशंस जो होते हैं हमारे, यानी जो हायर ऑर्डर में डिग्रीज होती हैं, उनको जब हम सोल्व करते हैं तो उनमें अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना हो या निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई होल पावर 16 और आपसे पूछा जाए कि 11th टर्म निकालिए क्या होगी, तो उस टर्म को हम डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे, उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में 10th क्लास में एक एपी सीरीज का चैप्टर पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें अगर हम 5वीं टर्म या 7वीं टर्म या 10वीं टर्म निकालते थे तो एक nth टर्म का फॉर्मूला हमारा होता था, और nth टर्म का फॉर्मूला होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी फॉर्मूले की तर्ज पे अगर हम यहाँ पे भी जनरल टर्म का फॉर्मूला बना ले तो वहां से भी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। वहां पर अगर हमें एपी सीरीज में हमने सीखा था पांचवी टर्म निकालनी है तो हम एन की जगह 5 पुट कर देते थे, ए और डी का मान हमें मिलता था और वहां पे पांचवी टर्म निकाल लेते थे। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हम जनरल टर्म पहले बना लेते हैं और उसमें फिर हम उस जनरल टर्म के अकॉर्डिंग जो भी टर्म हमें निकालनी हो किसी भी एक्सपेंशन की तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंशन बताना चाहूंगा जो हम पहले भी बता चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम में। जैसे कि हमारे पास ये एक्स प्लस वाई है, या एक्स प्लस वाई की जगह पे हम ए और बी में लेके चलते हैं, ए बी में लेते हैं। देखिए ए बी के अंदर लेके चलते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास ए जमा बी होल पावर एन, और इसका एक्सपेंशन होता है एन से जीरो ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर जीरो, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बीच में, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी पावर हाईएस्ट रहेगी, सेकंड कंपोनेंट की पावर सबसे कम रहेगी, और इसी तरह से फर्स्ट कंपोनेंट की पावर है वो आगे चलते जाएंगे तो कम होती जाएगी और सेकंड कंपोनेंट की पावर बढ़ती जाएगी प्लस एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी टू दी पावर वन प्लस एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, और एट लास्ट टर्म आ जाएगी मेरी एन सी एन ए टू दी पावर जीरो और बी टू दी पावर एन। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि ये हमारा जनरल एक्सपेंशन है, यानी ए प्लस बी टू दी पावर एन को हम सोल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, तो इस तरह से कर सकते हैं हम जो हम पहले बता चुके हैं आपको। अब यहां पे देखिए शांति से देखिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो एन सी जीरो है और ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर जीरो है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट की पावर हाईएस्ट सेकंड कंपोनेंट की पावर लोएस्ट। उसके बाद ए की पावर यहां पे देखिए एक कम होगी, फिर यहां दो कम हुई है, यहां पे सारी के सारे पावर है वो हट जाती है, लास्ट में ए टू दी पावर जीरो रह जाता है। इन सभी बातों को हम देखते हुए यहां से एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं, और जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालें देखिए, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, इस तरह से। तो यहां से मैं जनरल टर्म ऐसे निकालूंगा जो हर एक टर्म को परफॉर्म करेगी। जनरल टर्म देखिए क्या होगी, यहां एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू है तो इसकी तर्ज पे मैं बना देता हूं एन सी आर, एन सी आर। ठीक है, आर की वैल्यू जीरो लूंगा तो एन सी जीरो बन जाएगा, आर की वैल्यू एक लूंगा तो एन सी वन बन जाएगा, ठीक है, दो लेता हूं तो एन सी दो बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ए टू दी पावर एन माइनस आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर आर, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टर्म नंबर आर प्लस वन, यानी जनरल टर्म को हम यहां पे आर प्लस वन से डिनोट करेंगे। जैसा कि एपी में आप
ए एन से डिनोट करते थे वैसे यहाँ पे टी आर प्लस वन से डिनोट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपकी जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। किसी भी आप एक्सपेंशन में अगर जनरल टर्म निकालते हो तो उसका ये फॉर्मूला बनता है, और ये हमें याद रखना होगा। इस फॉर्मूले के ऊपर आप किसी भी एक्सपेंशन में कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो जीरो से लेके और एन तक रहेगी। आर की जो वैल्यू होगी वो कहां से होगी, जीरो से लेके और एन तक रहेगी। जैसे हम आर का मान जीरो रखेंगे तो एन से जीरो बन जाएगा, ए की पावर एन बन जाएगा और बी की पावर जीरो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आर का मान मैं एक लेता हूं तो ये आपकी सेकेंड टर्म, आर का मान दो लेता हूं तो ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी। दो लूंगा तो यहाँ पे टू प्लस वन यानी टी थर्ड टर्म नंबर थर्ड बन जाएगी। ठीक है, आर का मान एक जीरो लेता हूं यहाँ पे, जीरो लेता हूं तो टी वन यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी। तो ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल पावर सिक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल पावर सिक्स। अब हमें ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हमें बताना है सोल्व करके कि यहां पे जनरल टर्म क्या होगी इसकी। अब एक बात का और ध्यान रखना, हमें जनरल टर्म जब भी हम निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन का हमें यहाँ पे डिफरेंस को देखना होगा। जैसे ये मेरे पास ए प्लस बी होल पावर एन का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ ए माइनस बी होल पावर एन की बात करूं तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, इस तरह से एक टर्म पॉजिटिव रहेगी और दूसरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो उसी तरह से जब जनरल टर्म की बात करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे जो बी की जो टर्म होगी, यहां जो बी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव फॉर्मेट में रखनी होगी। जैसे कि माइनस बी की पावर आर लिखेंगे हम, ठीक है नहीं। अगर कोई आपके पास एक्सपेंशन नेगेटिव फॉर्मेट में हो, जैसे ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल पावर सिक्स है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है, तो इसकी जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जनरल टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये तो ए का मान हो जाएगा, यहाँ पर जो सेकंड कंपोनेंट है ये आपके पास बी का मान हो जाएगा। अब सेकंड कंपोनेंट होगा ये आपके पास नेगेटिव फॉर्म में आया हुआ है, तो आपको बी की वैल्यू माइनस वाई के रूप में लेनी पड़ेगी। आप जब जनरल टर्म निकालोगे तो वहां पे बी की जगह पे क्या लिखोगे, बी की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस का वाई पुट करोगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो इसकी जनरल टर्म जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर। अब एन क्या होता है, व्हाट इज एन, एन का मतलब होता है इंडेक्स से, तो इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे सिक्स है इंडेक्स, तो सिक्स सी आर की वैल्यू आर ही रहेगी, आर की वैल्यू हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है। आर का मतलब तो होता है हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है, आर की वैल्यू ये होती है। यहाँ पे हमें जनरल टर्म निकालनी है तो आर का मान आर ही रहेगा। ए टू दी पावर एन माइनस आर, ए का मतलब हुआ फर्स्ट कंपोनेंट, और फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर यानी एन का मान है सिक्स माइनस में आर मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर आर, बी का मतलब हुआ सेकंड कंपोनेंट माइनस का वाई, तो माइनस का वाई और टू दी पावर आर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आगे सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, देखिए सिक्स सी आर या एक्स स्क्वायर है और पावर सिक्स माइनस आर है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दो की गुणा करेंगे छह से, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस तरह एक फॉर्मूला भी बताया जा चुका है, अगर a टू द पावर m है और उसकी पावर n होती है तो a की पावर m गुणा n हो जाता है। यह आपका फॉर्मूला आ चुका है पहले, a टू द पावर m और होल n होता है, तो लिख सकते हैं a टू द पावर m गुणा में n। तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, देखिए इस दो की गुणा हो जाएगी इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा x होल पावर छह दुनी बारह माइनस में दो आर, और यहाँ माइनस की पावर r लिखेंगे तो माइनस वन की पावर r और y टू दी पावर r। ये आपका यहाँ पे जनरल टर्म का सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो जनरल टर्म अगर हमें निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन की, इस तरह से हमें फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। और तरीका ये होगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर आर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं सोल्व। और अगली टाइप हमारी ये रहेगी कि अगर हमें किसी एक्सपेंशन से कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे आठवीं टर्म निकालनी हो, सातवीं टर्म निकालनी या पांचवीं टर्म निकालनी है, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेरा यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, जैसे देखिए ये तो मेरा क्वेश्चन था जनरल टर्म का सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा कि अगर मेरे को टर्म निकालनी है कोई तो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर और होल पावर है 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 9। आपको यहां से निकालनी है सेवंथ टर्म। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? सेवंथ टर्म हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सातवीं टर्म हमें यहां पे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जर्नल टर्म निकालिए और जर्नल टर्म में आर की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? 7। जर्नल टर्म का मतलब ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू निकालते तो क्या आ जाएगी, देखिए टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एन का मतलब इंडेक्स और इंडेक्स हो गया 9 सी आर, ए का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट आपका ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट और इसकी पावर एन माइनस आर, एन का मतलब 9 और माइनस में आर। फिर बी का मतलब सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला सेकेंड कंपोनेंट माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल पावर आर, तो आर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी होगी जर्नल टर्म होगी ये। अब जर्नल टर्म से हमें जाना है सेवंथ टर्म पे, सातवीं टर्म निकालनी है। तो ये जो 7 होगा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी। ये 7 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू अब हम यहाँ पे 7 पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू जब हम 7, एक मिनट स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे तो यहाँ पे तो 7+1 एट्थ टर्म होगी। तो अब आपको 7 नहीं रखना, आर का मान क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। इस बात को भी दिमाग में बैठा लेना। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, हमें टर्म तो निकालनी है 7th, लेकिन हम आर का मान क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यह है, यदि आपने 7 रख दिया यहां पे तो 7+1 तो ये आपकी टर्म नंबर 8 बन जाएगी। ठीक है नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना, हमें निकालने सेवंथ टर्म, तो क्या रखना पड़ेगा? यहां रखना पड़ेगा 6। तो आर का मान हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। ध्यान दीजिए इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आर का मान हम यहां 6 पुट करेंगे, 6+1, अब आपका यहां से सेवंथ टर्म हो जाएगी ये, और 9 से 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर 9 माइनस में आर, यानी 9 माइनस में आर, आर का मान हमने क्या रखा है? आर का मान हमने 6 रखा है, तो 9 माइनस में 6 3 हो जाएगा और यहां आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर और आर की पावर हमने रखी है, आर की वैल्यू हमने रखी है 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले 9c6 है, तो ये कॉम्बिनेशन का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉम्बिनेशन में हम पहले बता चुके हैं आपको कि एक फॉर्मूला होता है इस तरह का एन सी आर का, और ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, यानी एन का फैक्टोरियल है, आर का फैक्टोरियल है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आए उसका फैक्टोरियल है। तो हमारे पास है 9c6, तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9c6 को फैक्टोरियल 9 लिखेंगे, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 9 - 6 3 लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके और 9 तक लगातार मल्टीप्लीकेशन,
तो एक से लेकर नौ तक गुणा करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नौ गुणा में आठ गुणा में सात और गुणा में आगे की मल्टीप्लाई जो आपकी बच गई ना एक से लेकर छह तक, उसको मैं छह फैक्टोरियल इस तरह से लिख देता हूं और डिवाइड बाय नीचे आपके पास है फैक्टोरियल छह और फैक्टोरियल तीन को लिख देता हूं, तीन गुणा दो गुणा एक। अब ये फैक्टोरियल छह इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन और टू से कैंसिल करें तो टू फोर जा एट, ठीक है आपके पास क्या बच गया देखिए, अब यहाँ पे चार तीन बारह और बारह के साथ से गुणा करेंगे, बारह सात यहाँ पे हो जाएंगे बारह इंटू में सेवन, ट्वेल्व इंटू में सेवन एटी फोर, ठीक है सात दो चौदह एक कैरी हो जाएगी सेवन सेवन और एक एट एटी फोर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 84 वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाई यहां देखिए एक्स स्क्वेयर और होल पावर तीन है तो एक्स टू दी पावर सिक्स डिवाइड बाय टू रेज टू दी पावर थ्री, टू रेज टू दी पावर थ्री कितना हो जाएगा टू रेज टू दी पावर थ्री यानी कि आपके पास एट होता है लेकिन हम इसको टू रेज टू दी पावर थ्री लिखेंगे आगे सोल्व हो जाएगा, माइनस की पावर सिक्स करेंगे तो माइनस को आप छह बार गुणा करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव लिखिए अब टू रेज टू दी पावर सिक्स यहां हो जाएगा और डिवाइड बाय एक्स रेज टू दी पावर ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ टू रेज टू दी पावर थ्री है और यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर यानी इसके डिवाइड में माना जाएगा टू रेज टू द पावर सिक्स आया हुआ है, तो यहाँ इसमें एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास होता है ए टू दी पावर एम, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों ए टू दी पावर एम डिवाइड बाय ए टू दी पावर एन, अगर दोनों का बेस सेम होता है दोनों का बेस सेम है ए है दोनों में तो डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा, तो ये अगर हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ टू रेज टू दी पावर थ्री है यहाँ टू रेज टू दी पावर सिक्स है दोनों का बेस दो ही है यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर लेस होगी और लेस पावर हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए तीन पावर है यहाँ पर छह है तो तीन पावर कट जाएंगी और केवल आपके पास तीन पावर ही बचेंगी तो आपके पास आ जाएगा 84 गुणा में टू रेज टू दी पावर थ्री एट हो जाएगा और यहाँ पर छह पावर है ये बारह पावर है तो ये एक्स टू दी पावर छह है छह पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी डिवाइड में आपके पास बचेगा एक्स टू दी पावर सिक्स। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ये आपका आंसर हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास होगी सेवंथ टर्म निकालने का तरीका यानी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ आपका कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो सेवंथ के बजाय चाहे आपको टेंथ निकालनी हो चाहे इलेवंथ निकालनी हो तो आपको जर्नल टर्म निकालनी है सबसे पहले और जर्नल टर्म निकाल के उसमें आर का मान पुट करना है, आर की वैल्यू कौन सी पुट करनी है ये भी देखिए, आर की वैल्यू आपको जो आपको टर्म निकालनी है उससे एक कम पुट करनी पड़ेगी, जैसे आपको टर्म निकालनी है 15th तो आर की वैल्यू 14th पुट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए, तो आपको टर्म निकालनी है 19th तो आर की वैल्यू 18 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है तो ये आपका सेकंड टॉपिक सेकंड कॉन्सेप्ट था, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं आपको यहां पे और वो यहां पे ये है कि अगर आपसे पूछी जाए कि हमें बिगेनिंग और एंडिंग से टर्म्स निकालनी हो किसी एक्सपेंशन की बिगेनिंग और एंडिंग से, तो बिगेनिंग का मतलब तो होता है स्टार्टिंग से आगे से यहां से ये बिगेनिंग से टर्म निकालनी हो, जैसे यहां से सेकंड टर्म पूछी जाए तो फर्स्ट सेकंड ये होगी आपकी और एंडिंग से पूछी जाए दूसरी टर्म तो एंडिंग से पूछी जाए तो एक तो ये होगी और एक इससे आगे वाली हो जाएगी, ठीक है नहीं कोई भी हमारे पास जैसे ये कोई मेरे पास सीरीज है दो चार छ आठ और लास्ट में यहां आ जाए मान लीजिए बारह चौदह, तो यहां पे देखिए बिगेनिंग और एंडिंग, बिगेनिंग से मेरे पास दूसरी टर्म कितनी है फोर है और एंडिंग से कौन सी है दूसरी टर्म ट्वेल्व है, ठीक है नहीं तो मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं आपको ये कि बिगेनिंग और एंडिंग से अगर हमें टर्म्स निकालनी हो
तो कैसे निकालते हैं? ये जो टर्म हमने निकाली थी यहाँ पे सेवंथ टर्म, ये बिगेनिंग से थी, एंडिंग से नहीं थी, ये बिगेनिंग से थी। तो तरीका यही रहेगा आपको, पहले जनरल टर्म निकालिए और जनरल टर्म में आर का मान पुट कीजिए, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर हमें बिगेनिंग और एंडिंग के बारे में पूछा जाए एक ही क्वेश्चन में तो कैसे सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x प्लस टू अपॉन एक्स, ये एक्सपेंशन है और होल पावर है 9। आपको यहां पर बिगेनिंग और एंडिंग से फोर्थ टर्म निकालनी है, ये आपका एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 10। इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सपेंशन में? 10 टर्म होंगी। तो बिगेनिंग से आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, फ्रॉम बिगेनिंग एंड फ्रॉम एंडिंग, बिगेनिंग और एंडिंग इन दोनों से हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। यहां से भी फोर्थ टर्म बताइए और यहां से भी फोर्थ टर्म निकालनी है कि क्या होगी आपकी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालनी है दोनों साइडों से आपको, तो तरीका आपका वही है, पहले आप इसकी जनरल टर्म निकालिए और जनरल टर्म निकालने के बाद हम आर का मान पुट करेंगे तो आपके पास बिगेनिंग से टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है। और एंडिंग के लिए मैं आपको प्रोसेस आगे बताऊंगा, तो पहले मैं बिगिनिंग के बारे में बताता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा का वैसा आपको करना है, जनरल टर्म निकालनी है इसकी। जनरल टर्म निकालने के लिए यह फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टी आर प्लस वन, तो यहाँ पे टर्म नंबर आर प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर, एन मीन्स हो गया आपके पास 9, सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास क्या हो गया? एक्स हो जाएगा, और इसकी पावर एन माइनस आर, एन का मतलब हो गया 9 माइनस आर, इंटू सेकेंड कंपोनेंट आपके पास है 2x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहां पे? आर, बी टू दी पावर आर है, यानी सेकेंड कंपोनेंट की पावर आर है, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो ये आपके जनरल टर्म बन गई। अब इस जनरल टर्म में हमें क्या रखना है? फोर्थ टर्म निकालनी है, तो आर का मान क्या रखेंगे हम जनरल टर्म में? आर का मान रखेंगे 3। आर का मान जब आप यहां 3 पुट करोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 + 1 4 बन गया, तो आपको फोर्थ टर्म निकालनी थी, फोर्थ टर्म आ जाएगी आपके पास। तो यहां पे आप आर की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए आप भी करके देखिए अपने हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा। तो यहां पे आएगा 4t = 9c, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से हटा के यहां लिख देता हूं। जब मैं यहां पे आर का मान पुट करता हूं 3, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? t = 9c, आर का मान 3, x^9 - r, r का मान 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगी पावर, r का मान हम 3 पुट करेंगे यहां पे तो 6, 2x की पावर r है यहां पे, तो 2x होल पावर r, r का मतलब 3। तो क्या रिजल्ट आएगा इसको थोड़ा सोल्व कर ले, 9c3 × x^6 और 2^3 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई x^3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9c3 की वैल्यू निकाल ले, 9c3 की वैल्यू आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो वो शायद 9c6 के इक्वल ही रहेगी, जैसा कि शायद हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वैसे निकालनी आपको वैल्यू। यहां पे 3 पावर है, यहां पे 6 पावर है, तो 3 पावर यहां कैंसिल आउट होंगी, बाकी आपका बच गया हुआ आंसर 9c3 और x^3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम, 9c3 को शायद 84 के लगभग ही आएगा,
सोल्व करने का तरीका आपको बताया था, फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 9 में से 3 घटाने के बाद 6। तो इसको लिख सकता हूं मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7। 9 फैक्टोरियल मींस ये हुआ यहां पे कि 1 से लेके 9 तक लगातार मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने 1 से 9 तक करने की बजाय मैंने यहां पे 9, 8, 7 और अब यहां पे 1 से 6 तक गुना ना करता हूं और उसकी जगह पे फैक्टोरियल 6 लिख देता हूं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 को लिख देता हूं 3, 2, 1। ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 3 से काट देंगे 3, 3, 9, 2 से काट देंगे 4 पे, तो 4, 3, 12, 12, 7, 84 आ जाएगा, 84 ही आएगा। और 84 की मल्टीप्लाई फिर 8 से कर देंगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा आंसर 84 मल्टीप्लाई बाई 8 एक्स क्यूब, वो आपकी क्या आ जाएगी, बिगेनिंग से फोर्थ टर्म आ जाएगी। फिर बात करें हम एंडिंग से, एंडिंग से अगर फोर्थ टर्म पूछता है तो आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बस, ए और बी जो आपके पास होते हैं उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बस आपस में इंटरचेंज कर दो, ए के जगह पे बी रख दीजिए और बी के जगह पे ए रख दीजिए, केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है। फ्रॉम एंडिंग ये आपके पास फ्रॉम बिगिनिंग का था, अब फ्रॉम एंडिंग की बात आए तो मैं यहां बता देता हूं आपको फ्रॉम एंडिंग आपको कैसे करना होगा। फ्रॉम एंडिंग में आपको जर्नल टर्म निकालनी है पहले और फिर आर का मान पुट करना है। जर्नल टर्म कैसे निकालनी है, जैसे हमने पहले निकाली थी वही, लेकिन उसमें ए और बी का मान आपको एक्सचेंज करना है। तो आपकी जर्नल टर्म क्या बन जाएगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन, एन का मान 9 सी आर, बिल्कुल वही लिखनी है। फर्स्ट कंपोनेंट आपका यहां पे एक्स था, अब की बार आपको फर्स्ट कंपोनेंट लेना 2yx और बाकी सेम रहेगा, केवल आपको कंपोनेंट ही चेंज करना है बाकी सेम। तो 9 माइनस आर एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, अब सेकेंड कंपोनेंट आपका 2yx था लेकिन अब की बार x लेना है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में चेंज कर दीजिए आप, केवल बस इतना ही आपको करना है एक्स टू दी पावर आर, और यहां पे अब आर का मान पुट कर दो वो आपकी आ जाएगी फ्रॉम एंडिंग। अब आर का मान यहां पे हमें क्या रखना होगा, 3 रखना है क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंडिंग, तो आर का मान 3 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 9c3 और 2yx ऑल पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 9c3 हमने पहले भी फाइंड आउट किया था वही आएगा, 2 raised to the power 6 एक्स raised to the power 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉम एंडिंग हो जाएगा, इस तरह से करना आपका ये आंसर बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि हमें जर्नल टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, आज के लिए हमारा टॉपिक यही था कि जर्नल टर्म हमें आनी चाहिए निकालनी। दूसरी बात, हमें जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग हमें कोई पार्टिकुलर टर्म निकालनी है वो आनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एंडिंग एंड ए बिगिनिंग। तो हमारे दो ही टॉपिक हैं यहाँ पे आज, दो ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको अमल करना है, इन बातों पे ध्यान से देखना है, समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।